हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन ओवरव्यू। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है। आज के लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और टर्म्स यूज्ड इन रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के खास लक्षण क्या क्या हैं, उन रेप्लिकेशन के लिए किन किन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है और रेप्लिकेशन के लिए जो टर्म्स मेनली यूज़ की जाती है, आज उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहला है सेमी कंजर्वेटिव मैथड, देन ऑलवेज इन 5-3 डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन एंड फाइडेलिटी। इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेमी कंजर्वेटिव मैथड, यानी कि अर्धसंरक्षी विधि। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मैथड से होता है, यानी कि जब डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाता है, अपनी कॉपीज बनाता है, अपनी रेप्लिका बनाता है, तो उसका हाफ पार्ट हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि जो डॉटर डीएनए बनेगा, डॉटर डीएनए में हाफ पार्ट न्यू डीएनए का होगा और हाफ पार्ट पेरेंटल डीएनए का होगा। डीएनए रेप्लिकेशन की इस कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में जानने के लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर कंप्लीट एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है जो मिजलसन एंड स्टॉल का एक एक्सपेरिमेंट है, आप उसे देख लीजिए तो उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण की अर्धसंरक्षी विधि क्या है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ऑलवेज इन 5-3 डायरेक्शन। आपको पता है डीएनए जो है वो दो सूत्रों या दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि अलग अलग दिशा में होते हैं। जैसे आप देखिए, अगर एक डीएनए सूत्र 5-3 में है तो दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, 5 के सामने 3 एंड होगा और 3 के सामने 5 एंड होगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है या जो डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है वो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही होगा। इस डायग्राम में देखिए, इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि 5-3 डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर डीएनए के दो सूत्र दिए गए हैं और ये यहाँ पर आगे की तरफ ये इस तरीके से ओपन हो गया है। ये जो फॉर्क बनता है, यहाँ पर डीएनए प्रतिलिपिकरण को दिखाया गया है। डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है ये इसी लेक्चर में हम आगे क्लियर करेंगे, इसलिए आप लेक्चर को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, ये डीएनए स्ट्रैंड 5-3 की डायरेक्शन में बन रहा है और जो नीचे वाला जो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। यानी कि हमेशा ही जो डीएनए का प्रतिलिपिकरण होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसकी दिशा कभी नहीं बदलती, वो हमेशा 5-3 की डायरेक्शन में ही होता है। पहले ये माना जाता था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है और इसका जो ओरिजिन है वो भी एक ही होता है। यहाँ पर देखिए, ये इस पॉइंट पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जबकि बाईडायरेक्शनल जो मेथड है, बाईडायरेक्शनल मेथड में डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो दोनों ही दिशाओं में चलता है, यानी कि एक रेप्लिकेशन इस तरफ होगा और दूसरा रेप्लिकेशन इस तरफ होगा। तो जॉन कैंस ने 1963 के अंदर बेसिलस सबटिलिस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था जो डीएनए के यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल मेथड को इजीली समझाता है। मोस्टली जो यूकैरियोट्स हैं और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर बाईडायरेक्शनल रेप्लिकेशन पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ईकोलाई जो प्लाज्मिड होता है, या हम कह सकते हैं जो प्लाज्मिड्स होते हैं, उनके अंदर यूनिडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन मोड पाया जाता है। पहले ये माना जाता था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूस टाइप का होता है, यानी कि जो डॉटर डीएनए बनता है वो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, उसमें बीच में कहीं भी कोई टुकड़े नहीं होते, फ्रैगमेंट्स नहीं होते। फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो डॉटर डीएनए बन रहे हैं, जो ग्रीन लाइन से शो किए गए हैं, वो कंटिन्यूस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन मोड को दर्शाता है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो इस तरीके से होता हो कि जो डॉटर डीएनए है वो फ्रैगमेंट्स के अंदर या खंडों में आकर के वहाँ जुड़ते हों और उसके बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है।
इस टाइप का जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए नीचे की तरफ। यहाँ पर जो डॉटर डीएनए बना हुआ है वो फ्रेगमेंट्स भी बना हुआ है जो रेड एरो के अंदर शो हो रहा है। लेकिन 1960 में रेजी एंड सुनेको ओकाजाकी ने ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट्स किए और ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने ये बात बताई कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप का होता है। मीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक तरफ कंप्लीट होता है और दूसरी तरफ टुकड़ों में या फ्रैगमेंट्स में होता है। सेंटर के डायग्राम में आप देखिए, नीचे की तरफ जो डीएनए बना है वो कंप्लीट डीएनए है, कहीं पे कोई भी फ्रैगमेंट्स उसमें शो नहीं हो रहे, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉटर डीएनए बना है वो कंटिन्यूस टाइप का है, कहीं पे कोई भी टुकड़े नहीं है, फ्रैगमेंट्स नहीं है। और ऊपर की तरफ जो डीएनए बना है उसमें फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं, दो एरो यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी कि टू डीएनए फ्रैगमेंट्स बने हैं। तो इस टाइप का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों का मिक्सचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन मोड को ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने दर्शाया था, इसलिए इस तरह के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। अब हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप का किस तरीके से हो रहा है या इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे जो रीज़न है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी पिछली कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5N2 3N की तरफ होता है, और जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो जो अपना वर्क करता है वो 5N2 3N की तरफ करता है। तो नीचे वाले स्ट्रैंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले स्ट्रैंड में जो डीएनए बन रहा है वो 5N2 3N की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से वो कंटिन्यूस एक डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ जो डीएनए बन रहा है वो बन तो 5N2 3N की तरफ ही रहा है, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है। तो इस तरीके से जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो पॉलीमरेज एंजाइम को फ्री 3N नहीं मिलता, और जब उसको फ्री 3N नहीं मिलता तो उसे बहुत सारे प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। तो जब बहुत सारे प्राइमर्स जगह जगह पर अटैच होंगे तो डीएनए पॉलीमराइज उनके बीच में फ्रैगमेंट्स के रूप में डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम के अंदर दो डीएनए के स्ट्रैंड है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हुआ हुआ है। ये डीएनए स्ट्रैंड है इधर और इधर की तरफ जो है पेरेंटल डीएनए, और उनसे डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्क में आप देखिए, ये 5N2 3N की तरफ डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है जो इस एरो से यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ ऑरेंज कलर से ये एक प्राइमर जो है वो अटैच हुआ है, और जब तक प्राइमर अटैच नहीं होता डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अपना वर्क इनिशिएट नहीं कर पाता। एक तरीके से इनिशिएटर होता है, जब यहाँ पर आरएनए प्राइमर अटैच हो जाता है तो उससे आके पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है और डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो प्राइमर है उस प्राइमर में आप ध्यान से देखिए कि 5N और 3N यहाँ पर शो किए गए हैं, यानी कि एक प्राइमर है। तो प्राइमर यहाँ पर अटैच हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पर अटैच हुआ है उसे प्राइमर का 3N यहाँ पर फ्रीली मिल गया है, तो उससे क्या इजीली मिल गया है, तो अब उससे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अलग अलग बेस पेयर्स को यहाँ पर इस तरीके से अटैच करता रहेगा और कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर एक डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए आपको बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि जो डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है उसी से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने डीएनए के बारे में कंप्लीट चीज़ें बताई हुई हैं वॉटसन क्रिक के मॉडल के अंदर कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किस तरीके से पाई जाती है। ये तो हो गया सिंपल तरीका जहाँ पर कंटिन्यूसली एक डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन मोड। लेकिन जब बात आती है दूसरे वाले मोड की, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अब जब डीएनए खुलना स्टार्ट होता है तो किस तरीके से होगा, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगी। ये एक डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए जब खुलना स्टार्ट होगा तो कैसे खुलेगा, वो इस तरीके से खुलेगा।
खुलता जाएगा, और जब खुलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब डीएनए और थोड़ा खुलेगा तो पहले जो यहाँ पर डीएनए बन चुके हैं वो आगे की तरफ डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। पर जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनी हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा प्राइमर का फॉर्मेशन हो रखा है। क्यों? क्योंकि जब डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन, तो वो कैसे स्टार्ट होगा? डॉटर डीएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो जैसे जैसे डीएनए खुलेगा वैसे वैसे बनेगा ना। तो डॉटर डीएनए यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। अब जब डॉटर डीएनए यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, प्राइमर हमेशा थ्री एंड की तरफ अटैच होता है। यहाँ पर देखिए ये डीएनए का थ्री एंड है और इससे प्राइमर यहाँ पर अटैच होता है। तो प्राइमर को अटैच होने के लिए डीएनए का थ्री एंड जरूरी होता है। दूसरी साइड में मैंने जो नाम दे रखे हैं, प्राइमर फर्स्ट, प्राइमर सेकंड, प्राइमर थर्ड, इनका मीनिंग ये है कि सबसे पहले जो प्राइमर अटैच हुआ है उसे हमने प्राइमर फर्स्ट नाम दिया है, बाद में जो अटैच हुआ है उसे प्राइमर टू नाम दिया है, और थर्ड नंबर पे जो अटैच हुआ है उसे प्राइमर थ्री नाम दिया है। तो प्राइमर कहीं भी अटैच हो, डीएनए अपना रेप्लिकेशन फाइव एंड टू थ्री एंड की तरफ ही करेगा। तो अब देखिए जो प्राइमर फर्स्ट सबसे पहले जब अटैच होगा यहाँ पर, ये प्राइमर फर्स्ट अटैच हो गया है, तो इस प्राइमर का जो फ्री थ्री एंड है वो डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए बनाने के लिए एनकरेज करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर डीएनए बनाएगा, इससे आगे की तरफ यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम ने यहाँ पर अपना डॉटर डीएनए बना लिया। अब क्या, अब जब रेप्लिकेशन फॉर्क और ओपन होगी, जो यहाँ पर नीचे की तरफ वाई शेप के रूप में शो हो रही है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फिर से डीएनए बनाने के लिए प्राइमर की जरूरत होगी। तो फिर सेकेंड प्राइमर यहाँ पर आकर अटैच होगा, और उस सेकेंड प्राइमर का जो फ्री थ्री एंड होगा उसके बीच में पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अपना नया डीएनए बनाएगा। ठीक उसी तरीके से डीएनए जैसे जैसे ओपन अप होता जाएगा वैसे वैसे नया प्राइमर आकर के जुड़ता जाएगा, और उनके बीच बीच में पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा न्यू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डीएनए जो है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के रूप में अटैच हो रहा है। इन फ्रेगमेंट्स को या डीएनए के टुकड़ों को हम ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक इतना सा ही डीएनए है और यहाँ पर ये इस तरीके से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद जो प्राइमर है वो प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर आकर के जहाँ पर प्राइमर अटैच है, जहाँ पर प्राइमर अटैच है उन जगह पर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के अटैच हो जाता है। तो ये जो डॉटर डीएनए यहाँ पर शो हो रहा है वो खंड के रूप में, फ्रेगमेंट्स के रूप में शो हो रहा है। तो फ्रेगमेंट्स तो एक कंप्लीट डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे नहीं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है और इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट रूप में हम जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब इस प्रोसेस को कम्प्लीटली समझेंगे। अभी मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि एक तरफ कंटिन्यूस क्यों हो रहा है और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूस टाइप का रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है। रेप्लिकेशन की जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मीनिंग होता है एक्यूरेसी, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, वहाँ पर एरर की संभावना बहुत कम होती है। एरर यानी आप जानते हैं कि डीएनए में जो बेस पेयरिंग पाई जाती है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जैसे ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। तो डीएनए पेरेंटल डीएनए जो है उसके अंडर में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो एक्यूरेट होता है, उसमें एरर बहुत कम होता है। एरर जो होता है वो एरर कैसा होता है, और जो एरर होता भी है तो वो लगभग 1 बिलियन बेस पेयर में जाकर कि एक एरर यहाँ पर शो होता है। अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सबस्ट्रेट्स, टेम्पलेट एंड एंजाइम एंड प्रोटीन्स। डीएनए रेप्लिकेशन की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है सबस्ट्रेट। डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें बेस पेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस पेयर्स के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी,
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि चार तरह के डीएनए बेस पेयर्स होते हैं, ए टी सी जी एडिनिन साइटोसिन थायमिन एंड ग्वानिन। तो हमें चार तरह के न्यूक्लियोसाइड्स की यहाँ पर आवश्यकता होगी। चार तरह के जो न्यूक्लियोसाइड्स हमें रिक्वायर होंगे वो हैं डी ए टी पी, डी सी टी पी, डी टी टी पी और डी जी टी पी। फुल फॉर्म की अगर बात करें, आप इसकी फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और या आपके कॉलेज एग्जाम के अंदर इनको पूछ लिया जाता है हाफ मार्क्स के अंदर। डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि डी ए टी पी, डी ऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट यानी कि डी सी टी पी, डी ऑक्सी थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट यानी कि डी टी टी पी और डी ऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि डी जी टी पी। दूसरी रिक्वायरमेंट है टेम्पलेट यानी कि सांचा। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। जो डीएनए है, डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, डीएनए जो है ओपन अप होता जाता है, डीएनए जो है वो खुलता जाता है और एक टेम्पलेट के रूप में वर्क करता है। और इसी डीएनए से नया डॉटर डीएनए आकर के अटैच हो जाता है। तो डीएनए के जो पेरेंटल स्ट्रैंड हैं वो दोनों ही टेम्पलेट के रूप में वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम्स एंड प्रोटीन की। डीएनए रेप्लिकेशन की थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि इस प्रोसेस को होने के लिए जिन एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है उनकी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्म की है, जो कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरी होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस आप जानते हैं थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और इन तीनों स्टेजेस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन में अलग अलग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो स्टेप है इनिशिएशन स्टेज, इनिशिएशन स्टेज के अंदर इन फोर एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो हैं यहाँ तक। पहला है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन जो है उसका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के ओरिजिन को ढूंढना, उसे पहचानना और डीएनए को डीनेचर करने में हेल्प करना। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। अब मान लीजिए इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन यहाँ पर है, तो क्या होगा, जो डीएनए ए प्रोटीन्स हैं ये डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे और डीएनए को रेप्लिकेशन बबल बनाने की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बनता है ना, तो ये हेल्प करता है, ओरिजिन रीजन को पहचानता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन कहाँ पर हो सकता है और डीएनए को डीनेचर करने में हेल्प करता है। दूसरा जो एंजाइम है डीएनए बी प्रोटीन या हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए को अनवाइंड करने में हेल्प करता है। आपको पता है डीएनए जो है वो इस तरीके का कुंडलित स्ट्रक्चर है, तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलने का काम करता है, इसलिए इसे हम जिपर फॉर डीएनए कहते हैं। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पर जो बेस पेयर्स जुड़े हुए होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए ए प्रोटीन ने तो रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई डीएनए को यहाँ पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अब डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम इन बेस पेयर्स के बीच में जो एच बॉन्ड है उनको ब्रेक करने का काम करता है, यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक करता है जिससे जो डीएनए है वो खुलता चला जाता है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, जैसे आप चैन को खोलते और बंद करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये डीएनए को अनवाइंड करने में हेल्प करता है और डबल हेलिक्स के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनको एक दूसरे से दूर करने में हेल्प करता है। तीसरा जो प्रोटीन है एसएसबी प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज एंजाइम ने जो अनवाइंडिंग की है इस तरीके से डीएनए को ओपन अप किया है, तो अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वीक अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई और प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, डीएनए जो है वो फिर से क्लोज हो जाएगा, तो हेलिकेज एंजाइम ने जो काम किया था वो तो यूजलेस हो गया। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इन ओपन जो डीएनए डबल हेलिक्स है इसकी ओपन स्ट्रैंड्स पर जाकर के ओपन हो जाता है और एक तरीके से इसको खींचता है,
ताकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वापस से अटैच ना हो और डीएनए डबल हेलिक्स वापस से ना बने। इसके बाद आता है टोपोआइसोमेरेज, जिसे हम कहते हैं निक और रीसीलिंग एंजाइम। अब क्या होता है कि जब डीएनए जो है वो अनवाइंड होने की कोशिश करता है, तो डीएनए किस तरीके का स्ट्रक्चर है, डीएनए जो है वो कुंडलित संरचना पाई जाती है। तो जब इस कुंडलित संरचना को ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करने से क्या होगा कि ये एरिया तो ओपन अप हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है वो सुपर कॉइल्ड हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसे जब हम बीच में से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये बीच में से तो ओपन हो गया, लेकिन जो इधर वाला हिस्सा है वो और ज़्यादा कॉइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपस में कुंडलित हो जाएगा। तो ये जो एंजाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, वो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर एक कट लगा देता है, चाहे तो एक स्टैंड पर या दूसरे स्टैंड पर। तो कट लगाने से क्या होगा, जो इस तरीके से कॉइलिंग है वो ओपन अप हो जाती है और डीएनए के बीच में जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को हम निक और रीसीलिंग एंजाइम कहते हैं। तो ये चार टाइप के एंजाइम्स एंड प्रोटीन हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन की इनिशिएशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि इतना जब हो गया कि डीएनए के ओरिजिन पॉइंट को पहचान लिया गया, डीएनए को वहाँ से अनवाइंड कर दिया गया, उसे अनवाइंड करे रहने के लिए वहाँ पे एसएसडी प्रोटीन्स अटैच हो गए, और उस ओरिजिन की वजह से या रेप्लिकेशन बबल की वजह से जो टेंशन वहाँ पर बनी है या जो सुपर कॉइलिंग हुई है, उस सुपर कॉइलिंग को टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ने दूर कर दिया। उसके बाद आती है इलोंगेशन प्रोसेस, यानी कि डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो डॉटर डीएनए के फॉर्मेशन को स्टार्ट करने के लिए तीन टाइप के एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जो हैं प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो सबसे पहला जो एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का काम होता है आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बिना प्राइमर के अपना काम इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको एक तरीके से एक लीडर की ज़रूरत होती है जो आकर उसे कहे कि पॉलीमरेज आओ और अपना काम स्टार्ट करो। तो प्राइमेज एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये आरएनए प्राइमर जो है वो पेरेंटल डीएनए के सामने जाकर के अटैच होता है और उसका थ्री एंड फ्री होता है, जिस वजह से वहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा और डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू करेगा। दूसरा जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का जो काम होता है, वो एंजाइम का काम होता है कि पेरेंटल डीएनए में जो बेस पेयर प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को सर्च करे और उनको ला करके यहाँ पर अटैच करे। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम का क्या वर्क होता है, डॉटर जहाँ पर ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर जो प्राइमर्स अटैच हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम क्या करता है, उन प्राइमर्स को हटाता है और उनकी जगह खुद आ जाता है, यानी उनको रिप्लेस करने का काम करता है। और जो थर्ड एंजाइम है डीएनए लाइगेज एंजाइम, वो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये तीनों के तीनों जो एंजाइम है वो इलोंगेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट एंजाइम या लास्ट प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं टैर बाइंडिंग प्रोटीन या टर्मिनस प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है, ये टर्मिनेशन साइट को पहचानता है कि यहाँ पर जो है वो एंडिंग होनी है रेप्लिकेशन की, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन को समाप्त होना है। तो ये एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम को सबसे पहले वहाँ से हटा देता है। तो जैसे ही हेलिकेज एंजाइम वहाँ से हटेगा, डीएनए फिर से वाइंड हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को 1959 में ई कोलाई में ई कोरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। ये एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में तीन टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो एंजाइम हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ओकाजा के फ्रेगमेंट्स के बीच के गैप को फिल करता है, यानी कि आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो काम होता है वो डीएनए की प्रूफ रीडिंग करके अगर उसमें कोई मिस्टेक है उसे सही करता है, यानी कि रिपेयर करने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का काम होता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पे डीएनए रेप्लिकेशन को करना।
लेकिन यूकैरियोट्स जो हैं वो थोड़े से टफ और मल्टी सेल्यूलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं वो 5 टाइप के पाए जाते हैं, अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन। तो जो अल्फा एंजाइम है वो ठीक प्रोकैरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की तरह वर्क करता है, यानी कि ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स के बीच के गैप को फिल करने का काम करता है, जो कहाँ पर होते हैं, लैगिंग स्टैंड पर होते हैं। डेल्टा पॉलीमरेज एंजाइम का काम पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम की तरह डीएनए की प्रूफ रीडिंग और रिपेयर करने का होता है। लेकिन जो बीटा पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते और यूकैरियोट्स में डीएनए रिपेयर का काम करते हैं। गामा टाइप की जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और एप्सिलॉन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन को करता है, जो कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है। लीडिंग यानी अग्रगामी और लैगिंग यानी पश्चगामी सूत्र। अब ये जो टर्म्स आप बार बार सुन रहे हैं, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, इन टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि टर्म्स आखिर है क्या। तो कुछ मेन टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज़ की है, जो है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स, रेप्लिकेशन बबल एंड फॉग, ओरिसाइट एंड प्राइमर। ये बेसिक टर्म्स हैं जो रेप्लिकेशन में यूज़ होती ही हैं। तो ये टर्म्स क्या हैं, इन्हें हम डायग्राम से समझ लेते हैं तो समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पहली टर्म है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग को हिंदी में कहते हैं अग्रगामी सूत्र, लैगिंग को हिंदी में कहते हैं पश्चगामी सूत्र। तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो सूत्र होता है जिसपे डॉटर डीएनए कंटिन्यूस फॉर्मेशन करता है, जिसपे डॉटर डीएनए का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अग्रगामी सूत्र या लीडिंग जो स्ट्रैंड होता है वो कौन सा होता है, जो 5 एंड से 3 एंड डायरेक्शन के अंदर पाया जाता है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला, इसे हम कहेंगे लीडिंग या अग्रगामी सूत्र। यहाँ पर जो डॉटर डीएनए बन रहा है उसमें कहीं पे कोई भी गैप नहीं है, और इसे हम सतत या कंटिन्यूस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन मोड कह सकते हैं। जबकि इसके जो अपोजिट पाया जा रहा है उसे हम लैगिंग या पश्चगामी स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग या पश्चगामी स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो टुकड़ों में हो रहा है, जो हमेशा 3 एंड से 5 एंड दिशा की तरफ पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए टुकड़ों में डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें जो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसे हम पश्चगामी सूत्र कहते हैं। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ओकाजेकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन किस सूत्र पर या किस स्ट्रैंड पर होता है, तो आप उसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं कि लैगिंग या पश्चगामी सूत्र के ऊपर ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजेकी खंड की। तो ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजेकी खंड वो डीएनए के टुकड़े होते हैं जो कि पश्चगामी सूत्र पर या लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। हमने जो सेमी डिसकंटीन्यूअस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन मोड पढ़ा था, वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे रेजी एंड सुनोकी ओकाजेकी, उनके नाम पर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को ओकाजेकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजेकी खंड नाम दिया गया है। ये नीचे एक डायग्राम दिया गया है जो रेप्लिकेशन बबल और फॉग दोनों को बता रहा है। इसे आप बहुत इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक डीएनए है, सिंपल डीएनए मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इस डीएनए में बहुत सारी ओरी साइट्स होती हैं, बहुत सारी ओरिजिन साइट्स होती हैं। तो क्या होगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। ये रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ये रेप्लिकेशन बबल यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इसी बबल का डायग्राम जो है वो इस डायग्राम में दिया गया है। तो रेप्लिकेशन बबल यानी कि जो कंप्लीट बबल की तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे बुलबुला होता है उस तरीके से जो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। और एक रेप्लिकेशन बबल जो है वो दो रेप्लिकेशन फॉग से मिलकर के बना हुआ होता है। दो रेप्लिकेशन फॉग मीन्स इस तरीके से, अगर हम इसको हाफ कर दें तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बन गए ना, इस तरीके से, एक यों और दूसरा इस तरीके से। तो
जब हम हाफ बबल की बात करते हैं तो उसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। जो डायग्राम हम हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन में बनाते हैं वो रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम होता है, जो वाई की तरह से शो होता है, इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये डीएनए का हिस्सा है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है, और जो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा वो इसके सामने होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपको ये पता नहीं होता कि आप किस साइड एरो बनाएंगे, कि जो डॉटर डीएनए बन रहा है वो किस दिशा में बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो बना हुआ है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा बंद दिशा की ओर होता है, इस तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ होता है। तो हम हमेशा ऐसे एरो बनाएंगे, यानी कि ये एक कंप्लीट डीएनए बन रहा है और यहाँ पर टुकड़ों में डीएनए बन रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि रेप्लिकेशन फॉर्क का जो बंद वाला हिस्सा होता है उससे खुले वाले हिस्से की तरफ डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पर डीएनए बनेगा और इससे इस दिशा में डीएनए बनेगा, इसीलिए हम इसे बाई डायरेक्शनल टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। वर्ड बार बार आता है ओरी साइट, या जिसे हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। जिन साइट्स पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उन पर्टिकुलर साइट्स को हम ओरी साइट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे भी हम डीएनए की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा ओरिजिन पर ही स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन की ओरी साइट है वो हमेशा एक सिंगल साइट होती है। जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो अगर एक ही पर्टिकुलर वहाँ पर ओरी साइट होगी तो डीएनए की रेप्लिकेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यूकैरियोट्स में इस काम को फटाफट करने के लिए डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारी ओरी साइट्स पाई जाती हैं, जिसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर बहुत सारी ओरी साइट्स बनी हुई है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि 6 साइट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ऐसी यूकैरियोट्स के डीएनए में बहुत सारी साइट्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो यूकैरियोट्स डीएनए हैं उसे बहुत जल्दी रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ओरिजिन चाहिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप तो ये इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक में हमेशा सिंगल ओरिजिन साइट होती है, सिंगल ओरी साइट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन साइट्स पाई जाती हैं। प्राइमर वर्ड का भी बहुत ज़्यादा हम डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन इनिशिएट करने में हेल्प करता है। तो प्राइमर जो है वो क्या होता है, वो आरएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है जो कि पेरेंटल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। संपूरक होगा तभी तो वहाँ पर आकर अटैच होगा ना। और बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अगर प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमरेज को डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ये था डीएनए रेप्लिकेशन का हमारा बेसिक ओवरव्यू, जिसमें हमने ये चीज़ क्लियर की कि डीएनए रेप्लिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आई होप अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपकी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिए, ताकि वो उनके लिए भी यूज़फुल रहे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सजेशंस को ध्यान में रखते हुए अपना नया लेक्चर बनाऊं। एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तभी मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आगे और अच्छे लेक्चर्स बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान।